बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार, माननीय श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री विनय, माननीय श्री सकलदीप राजभर, माननीय श्री सकलदीप राजभर। माननीय सभापति महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस बिल पर बोलने का अवसर दिए। माननीय महोदय जी, हमारी सरकार जो संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 लेकर आई है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा है। माननीय महोदय जी, इस विधेयक के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में सिरमौर गिरिपार क्षेत्र से हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा की गई है, जिसके द्वारा हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने से उन्हें लंबे समय से लंबित न्याय अब मिल सकेगा। माननीय महोदय जी, काफ़ी समय से हाटी समुदाय की यह मांग चली आ रही थी कि उनको अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किए जाएं, जिससे उनकी प्रगति के मार्ग खुल सके और उनका चौमुखी विकास संभव हो सके। और अब इस कल्याणकारी विधेयक के द्वारा हमारी सरकार ने हाटी समुदाय के तरक्की का मार्ग खोल दिया है, और इस विधेयक के द्वारा ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस जनजातियों की जमीन किसी और को न दी जाए, और महोदय यह सब संभव हो पाया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय महोदय जी, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में समाज के हर तबके के विकास एवं कल्याण का कार्य बड़ी तेजी और प्रतिबद्धता के साथ किया जा रहा है, और इन्हीं प्रयासों के तहत बहुत सी विसंगतियों को भी दूर किया जा रहा है। महोदय जी, समाज को देश की मुख्य धारा में लाने का काम हमारी सरकार द्वारा बड़ी तेजी से किया जा रहा है, और मैं इसके लिए अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी व माननीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़ा धूमधाम से मना रहा है, तो इस अवसर पर हमारी सरकार का यह बस यही संकल्प है कि जब देश अपने 100 साल पूरे करे तो देश का हर एक नागरिक मुख्यधारा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरे और देश के विकास में अपना भरपूर योगदान दे और सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े। माननीय महोदय जी, हमारी सरकार ने जो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है, ये विधेयक उसको पूरी तरह से सार्थक करता है। आज हम हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य राज्यों में भी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उन्हें भी शामिल किया जाए, ये भी मांग करता हूँ। इसी के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ और अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सकलदीप जी, आपने 3 मिनट